दोस्तों अमेज़ॉन पर सेल करने के लिए हमें रेफरल फ़ी, क्लोजिंग फ़ी और शिपिंग कॉस्ट, ये मैंडेटरी फीस है जो हमें देना ही होता है अमेज़ॉन पर अगर आप इजी शिप पर सेल कर रहे हैं। अगर आप FBA या सेलर फ्लेक्स कर रहे हैं तो आपको दो एक्स्ट्रा एडिशनल फीस आपको देना होता है। और ये जो फीस स्ट्रक्चर है इसको अमेज़ॉन चेंज करता रहता है, कभी साल में दो बार कर दिया, कभी साल में तीन बार, नहीं तो साल में एक बार अमेज़ॉन इसको चेंज करता है। और ये चेंज मैंने नोटिस किया है, अमेज़ॉन अगर कम करता है तो बहुत ही लिमिटेड, मतलब कोई अगर कोई कैटेगरी में अमेज़ॉन 17% चार्ज ले रहा है तो उसको 1% कम करके 16% कर देगा। ये बहुत रेयर होता है जब अमेज़ॉन रेफरल फ़ी कम करता है, ज़्यादातर केसेस में अमेज़ॉन ने इंक्रीज ही किया है। और एक नया जो फीस स्ट्रक्चर है वो सब अपनी सेलर सेंटर पर जाके देख पाएंगे, जो सितंबर महीने से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिसमें अमेज़ॉन ने फिक्स क्लोजिंग फ़ी तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, फिर रेफरल फ़ी कुछ कैटेगरी में डबल कर दिया, मतलब अगर कोई कैटेगरी में 5% था तो उसको 10% कर दिया, कुछ कैटेगरी में 2%, 3%, 1%, मतलब हर एक कैटेगरी में वो इंक्रीज़ किया है, कुछ कैटेगरी को छोड़ के जिसमें पहले जो था अभी भी वही है। और जो शिपिंग कॉस्ट है इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, देखने में जाएंगे तो 2-4 रुपये इंक्रीज़ किया है शिपिंग कॉस्ट। बट गाइस ये 6 महीने पहले ही अमेज़ॉन ने इंक्रीज़ किया था, फिर अभी कर दिया, तो ओवरऑल अगर देखने जाएंगे शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो अमेज़ॉन को ऐसा लगता है कि जो सेलर है या तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, नहीं तो उनको कोई लॉसेस नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकते हैं अमेज़ॉन को ये बात पता नहीं या अमेज़ॉन को हम लोग बता नहीं पा रहे हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा जो इशू है। एक सेलर को सबसे ज़्यादा जो लॉसेस होता है वो आप देखेंगे, अगर नोटिस करेंगे, जो कस्टमर रिटर्न है उसमें होता है, जो कस्टमर रिजेक्ट है इसमें सबसे ज़्यादा होता है। एक बार को सेलर कम प्रॉफिट में ठीक है काम चला लेगा, अगर उसका जो रिटर्न या रिजेक्ट शिपिंग रिजेक्ट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शिपमेंट रिजेक्ट होते हैं उसमें अगर शिपिंग कॉस्ट अमेज़ॉन बहुत ही कम कर दे, या ऐसा अमेज़ॉन कोई पॉलिसी लाए कि चलो आपका शिपमेंट डिलीवर करने के लिए हम लोग अभी ले रहे हैं इंक्लूड टैक्स 84 रुपीज़, लेकिन अगर आपको कस्टमर रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपको पूरा पैसा नहीं देना है, आपको ओनली 50% इसका देना है। अमेज़ॉन पे एक पॉलिसी 8% के ऊपर रीइंबर्समेंट, लेकिन वो अगर आप वीडियो में ना बना हुआ है अगर वो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वो कैसा 8% का रीइंबर्समेंट पॉलिसी है। तो ओवरऑल बात यही है दोस्तों, सेलर को लॉसेस होता है। आपने ऐसा प्रोडक्ट सेल किया जिसमें आपको 100 रुपये का प्रॉफिट बच रहा है, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट आपका जब रिटर्न आया तो उसमें अगर 80 रुपये आपका चला गया शिपिंग कॉस्ट में, जो कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसमें आपका पैकेजिंग मटेरियल चला गया, फिर जो बॉक्स में आप पैकिंग करेंगे वो चला गया, हो सकता है आपका आइटम डैमेज हो या ना हो, तो ओवरऑल आपका अगर 80 रुपये चला जाता है तो 20 रुपये आपके हाथ में प्रॉफिट बचता है। हाँ, अमेज़ॉन का भी ये बिज़नेस है, उनको भी प्रॉफिट करना है, लेकिन अभी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे लास्ट अगर 2 ईयर्स आप देखो तो कोविड का बहुत ज़्यादा सिचुएशन हो गया, फिर अभी भी उतना रिकवर भी हर सेलर नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट बहुत लोग नहीं जा पा रहे प्रॉपर तरीके से, प्राइस जो प्रोडक्ट का वो भी बहुत हाई है, तो ये सब दिक्कतें थे। अमेज़ॉन एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर तक जो पहले का जो शिपिंग कॉस्ट, पहले का रेफरल फ़ी, क्लोजिंग फ़ी, मतलब पहले का जो फीस था उसको वैसा ही रखे, कंटिन्यू करे, इससे सेलर को थोड़ा जो बिज़नेस है वो करने में इजी रहेगा। लेकिन अमेज़ॉन को ये बातें बताना पड़ेगा, नहीं तो अमेज़ॉन को तो कुछ पता नहीं चलेगा ना कि सेलर को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉसेस हो रहा है, क्या हो रहा है। अमेज़ॉन जो रेफरल फ़ी चेंज कर रहा है उसमें एक ईमेल भी दिया हुआ है, अगर आप अमेज़ॉन पे सेलर सेंटर पर जाएंगे तो आपको वो ईमेल मिल जाएगा फ़ी के ऊपर, तो उस पर आप ईमेल करिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, और ईमेल करके बोलिए कि जो फीस पहले का था वही उसको सस्टेन करें, अभी चेंज नहीं करने का ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि एक सेलर उतना प्रॉफिट नहीं कर पा रहे बिजनेस करते हुए। तो आप हर एक अपनी तरफ से लिखिए, नहीं तो मैं अगर चाहता तो मैं लिख के आपको बता देता कि डिस्क्रिप्शन पे जाके आप बस इसको कॉपी पेस्ट कर दो, तो अमेज़ॉन को जब थाउजेंड्स ऑफ सेलर ऐसा सिमिलर मेल करेगा तो उसको लगेगा कहीं ना कहीं ये स्पैम हो रहा है। तो आप अपनी तरफ से लिखे, बस मैसेज एक ही होना चाहिए, मैसेज ऐसा ही जाना चाहिए अमेज़ॉन के पास कि सेलर अभी रेडी नहीं है जो नया फीस है इसको एक्सेप्ट करने के लिए। हो सकता है अमेज़ॉन चेंज करे, हो सकता है ना करे, लेकिन उनको ये बातें तो पता चलना चाहिए कि सेलर किस सिचुएशन में बिजनेस को कर रहा है। सो मैं आपको प्रोसेस दोस्तों, इस पेज का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप चेक कर पाएंगे। इस पर देखिए एक ईमेल दिया गया है, in-fee-feedback@amazon.com, आपको इस पर ईमेल करना है अमेज़ॉन को और बताना कि यहाँ पे पूरा आप देख पाएंगे कि इसमें कितना परसेंट की इंक्रीजमेंट अमेज़ॉन ने किया है। तो देखिए 4.5% से सीधा यहाँ पे हेल्थ कैटेगरी में
कर दिया 6%, 500 की अंदर जो प्रोडक्ट है, अगर 500 के ऊपर जा रहा है तो 8%, तो लगभग डबल हो गए यहाँ पे इंक्रीजमेंट। तो आप ऐसे देख सकते हो। बट गाइज मैं जो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो नीचे जो शिपिंग कॉस्ट है ना, देखिए यहाँ पे पूरा कैटेगरी वाइज दिया गया है, और ये क्लोजिंग फ़ी जो आपको फिक्स अमाउंट रहता है आपको अमेजोन को देना ही है, यहाँ पे 1, 2, 3, 5, 6 करके आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। और जो शिपिंग कॉस्ट है, देखिए अमेजोन ने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम लॉन्च किया था स्टेप, जिसमें स्टैंडर्ड, बेसिक और प्रीमियम लेवल की सेलर के हिसाब से उनको शिपिंग कॉस्ट लिया जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो प्रीमियम और एडवांस लेवल में रहेगा जो सेलर, उनका जो शिपिंग कॉस्ट लगेगा सितंबर से वो 32 रुपीज़ लोकल, फिर रीजनल में 46.5, फिर नेशनल में 68, और इसके ऊपर 18% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कैसे कैलकुलेट करना है आपको, 100 लगाना है ऐसे, और 18 आपको पहले 18 लिखना है, उसको 100 से डिवाइड करना है, फिर इंटू आप 68 कर दीजिए, 12.24 + 68, तो यहाँ पे 80.24 रुपये आपको लगेगा अगर आप एडवांस या प्रीमियम लेवल पे सेलर में होंगे नेशनल लेवल में। फिर उसके बाद 69, फिर जो बेसिक लेवल में है उनको 73, इनके सबसे ज़्यादा चार्ज होने वाला है, तो 69 यहाँ पे। इसके ऊपर 18% आपको जो GST है वो लगेगा, रीजनल में भी लगेगा, लोकल में भी लगेगा, तो बहुत ज़्यादा। देखिए लोकल में अमेजोन ने कितना इंक्रीज कर दिया, 38 रुपीज़। मैं खुद डिलीवरी ये सब कुरियर यूज़ करता हूँ दोस्तों, उसमें 23-28 रुपीज़ आपको लगता है, इंक्लूड GST आपको 30 रुपीज़ के अंदर हो जाता है। तो अमेजोन ने बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट कर रहा है, उस हिसाब से हमारा जो पैकेज है वो भी हैंडलिंग नहीं होता। अगर आप रिटर्न देखेंगे अमेजोन का तो पूरा एकदम दबा हुआ रहता है, डैमेज भी मिलता है आइटम, तो ये सब इशू हम लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो आप इस पेज को देख लीजिए, आपके हिसाब से आप जो भी कैटेगरी पर सेल कर रहे हैं वो कितना इंक्रीज हो रहा है, तो उस हिसाब से अपनी प्राइसिंग को भी सेट कर लीजिए, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी है तो आप मुझे कॉमेंट पर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।